हरीश शंकर तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड डायरेक्टर है, जिन्होंने 2006 से अपने कैरियर शुरू किया और जिनका कई सारे फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल रहा। तो दोस्तों, आज मैं डायरेक्टर हरीश शंकर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एनालिसिस के बारे में बताने वाली हूँ। तो अगर आप हो हरीश शंकर के फैन तो ये वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखना और एक लाइक भी देना। तो चलिए इंट्रो के बाद मिलते हैं। नंबर 1, शॉक। ये 2006 का एक्शन फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है हरीश शंकर ने और इसमें रवि तेजा और जयतिका लीड रोल में है और ये फिल्म फ्लॉप निकला। नंबर 2, मीरा पकड़। ये 2011 का एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है हरीश शंकर ने और इसमें द मस महाराजा रवि तेजा और ऋचा लीड रोल में है। इसमें एक इंस्पेक्टर ऋषि और एक माफिया लीडर कित्तू के बीच फाइटिंग को दिखाई गई है और इसका IMDb रेटिंग मिला 6.3/10 और ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। नंबर 3, गब्बर सिंह। ये 2012 का एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है हरीश शंकर ने और इसमें पावर स्टार पवन कल्याण और श्रुति हसन लीड रोल में है। इसमें पुलिसमैन गब्बर सिंह कैसे लोकल थग्स के अगेंस्ट में फाइट करते हैं वह इसमें दिखाई गई है और इसका IMDb रेटिंग मिला 7.1/10 और इसका बजट था 70 करोड़ और इसका इंडियन कलेक्शन रहा 105 करोड़ और वर्ल्ड कलेक्शन रहा 125 करोड़ और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। नंबर 4, रामैया वास्तवैया। ये 2013 का एक्शन फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है हरीश शंकर ने और इसमें जूनियर एनटीआर और सामंता लीड रोल में है और इसका IMDb रेटिंग मिला 5.1/10 और ये फिल्म फ्लॉप निकला। नंबर 5, सुब्रमण्यम फॉर सेल। ये 2015 का एक्शन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया हरीश शंकर ने और इसमें साई धर्म तेज रेजिना चसंद्रा लीड रोल में है। इसमें एक मनी माइंडेड लड़का सुब्रमण्यम US में जाकर सीता के साथ मिलते हैं और उसे कंपनी देते हैं और इन दोनों जब वापस इंडिया में आते हैं तब इनका फैमिली कैसे इन दोनों के बारे में गलत सोचते हैं वह इसमें दिखाई गई है और इसका हिंदी डब्ड है पैटल ऑन सेल नाम से और इसका IMDb रेटिंग मिला 6/10 और ये फिल्म हिट साबित हुई। नंबर 6, दुवाद्दा जगन्नाथम। ये 2017 का विजनेटर एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया हरीश शंकर ने और इसमें स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन और पूजा हेगड़े लीड रोल में है। इसमें एक अंडरकवर ऑफिसर कैसे एक रियल इस्टेट क्राइम लॉर्ड और एक कॉरप्ट मिनिस्टर के अगेंस्ट पे फाइट करते हैं वह इसमें दिखाई गई है और इसका हिंदी डब्ड है DJ नाम से और इसका IMDb रेटिंग मिला 5.5/10 और इसका बजट था 70 करोड़, इंडियन कलेक्शन रहा 108 करोड़, वर्ल्ड कलेक्शन रहा 127 करोड़ और ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। नंबर 7, गद्दला कोंडा गणेश। ये 2019 का तेलुगु एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है हरीश शंकर ने और इसमें वरुण तेज अथर्वा और पूजा हेगड़े लीड रोल में है। इसमें डायरेक्टर एक फीचर फिल्म बना रही है और इसलिए उन्होंने कैसे विलेन ढूंढते हैं वह इसमें दिखाई गई है और इसमें वरुण तेज का लुक फैंस को हैरान कर चुके थे और इसका IMDb रेटिंग मिला 6.8/10 और इसका बजट था 30 करोड़ और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा 65 करोड़ और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। तो दोस्तों, ये रहा डायरेक्टर हरीश शंकर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एनालिसिस के बारे में। इन सब फिल्मों से कौन सी फिल्म आपको अच्छी लगी और कौन सी फिल्म देख कर आए हो कमेंट करके बताना और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और सर की बॉलीवुड और साउथ इंडियन मूवीज अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।